सो हेलो गाइस, अभी आपको दिख पा रहा होगा मैंने 100 क्वांटिटी कॉल के अंदर बाय कर रखी है। टाइम हो रहा है 2:16 और यहाँ पे 2600-2700 का लॉस चल रहा है और ये थोड़ा बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, मैंने क्या लॉजिक लगाया था, क्या सेंस था ट्रेड के पीछे। तो यहाँ पर मैं अगर बैंक निफ्टी का चार्ट खोलूँ आपके सामने, इसको मैं खोलता हूँ 15 मिनट का चार्ट। मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर भी अपडेट किया था, पहले मैंने आप सबसे पहले आपको सपोर्ट अपडेट किया था कि भाई देखो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ पे था। पर सस्टेन नहीं कर पाया, वो सीधा ऊपर भाग गया। फिर यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की साइड जाना शुरू हुआ, यहाँ पे यहीं पर आसपास 10 बजे के आसपास मैंने ट्रेड कर लिया, पर मार्केट स्टिल ऐसे ही साइडवेज घूम रहा है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड कब ली थी भाई, यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी, देखो सबसे पहले 10:03 का ऑर्डर है, 10:03 का, और यहाँ पर 313 बाय हुआ था, एक 280 पे हुआ 50-50 करके, ठीक। तो मेरा एवरेज प्राइस क्या बना, 296, परफेक्ट, ओके। अब यहाँ पर ये फिर से बैक आने की कोशिश कर रहा है, लॉस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा अगर निफ्टी बैंक का दोबारा से चार्ट क्या कह रहा है, 15 मिनट का चार्ट, ओके। तो मार्केट फिर से आने की नीचे कोशिश कर तो रहा है भाई, लेट्स सी। नीचे यहाँ पे टच करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस तो लगा हुआ ही पेंडिंग ऑर्डर के अंदर, 235 का, 297 का मेरा एवरेज प्राइस है, तो लगभग 60 पॉइंट के आसपास है मेरा स्टॉप लॉस है, तो वो हिट हो जाएगा अगर नीचे आता है वापस तो, ठीक है। बाकी देखते हैं, लॉस आपके सामने बढ़ ही रहा है, तो चलो लाइव ही देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता। वैसे 235 का स्टॉप लॉस लगाया था, वहीं पर आसपास वहीं मार्केट आसपास आया था, उसके पास से जाके वापस इतना ऊपर आया है, पर दोबारा से वो नीचे आ रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, 2:18 का टाइम हो चुका है और 235 के नियर बाई ही जा रहा है। या तो भाई मेरा स्टॉप हिट हो जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाए भाई, वैसे तो 2:18 का टाइम हो ही चुका है, अब इससे क्या ही उम्मीद करें। एक बार चार्ट भी खोल के देख लेते हैं एक साइड में, 10 मिनट खोलते हैं सीधा, एक ही बात है। ₹640 स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है मेरे ख्याल से। तो ये महीना वैसे अब तक मैंने लगभग 80-90 पॉइंट कलेक्ट किए हैं, और 60 पॉइंट अगर आज चले जाते हैं तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट नेट बचेगा। अभी मेरे पास आगे के लिए भी स्कोप है, 18 दिन बचे हुए हैं अभी ट्रेडिंग के, तो हम उसमें इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको समझाता चलूँ कि कैसे लॉस को कैच करते हैं, कैसे प्रॉफिट को कैच करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के टाइम पे बहुत खुश होते हैं, वाह क्या प्रॉफिट है, मज़ा ही आ गया, और लॉस के टाइम पे कहते हैं सर आपने लॉस करवा दिया। अरे तो ये क्या भी साइकोलॉजी है, प्रॉफिट के टाइम पे बड़ा खुश होते हो, लॉस के टाइम पे खुश नहीं होते हो भाई। एक्साइटमेंट ट्रेडिंग के अंदर करोगे तो आपको हमेशा लॉसेस होंगे, आप प्रॉफिट में खुश नहीं हो पाओगे। और आप लॉस में दुखी प्रॉफिट में खुश हो रहे हो तो आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, और फीलिंग्स ही शेयर मार्केट के अंदर लॉस करवाती हैं। आप अब तक इसलिए ही लॉस करते हुए आ रहे हो। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ कि हाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर टारगेट हिट हो जाए, टारगेट के पास अभी आता हुआ दिख नहीं रहा, अभी तो फिलहाल मेरे स्टॉप लॉस के पास है, तो मैं इसलिए स्टॉप लॉस का वेट कर रहा हूँ। अभी आपके सामने 634 तक ये आया था, कहाँ आया था भाई, हाँ देखो अभी इसका लो क्या लगा है, ये ऊपर देखिए 637 का, अभी मार्केट 644 पे घूम रही है, देखते हैं अभी क्या होता है इस कैंडल का बंद होने पर। 2:20 का टाइम हो गया है, ऊपर नीचे कहीं तो जाए। P&L को मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि P&L देखने से फीलिंग्स आ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं, तो मैं इसलिए इन सब मोह माया से तो बहुत दूर हूँ। बाकी देखते हैं, आप भी देखिए रहे साथ में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर ना मैं अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कि सुबह मैंने सपोर्ट का अपडेट दिया था कि भाई सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा तो ट्रेड आप कर सकते हैं, पर वो नीचे आया ही नहीं ढंग से तो वो ऊपर आ गया, तो वहाँ पे हम एक गलत पुट की ट्रेड से बच गए। ऐसे ही यहाँ पे एक कॉल का सस्टेन हुआ था यहाँ पर मार्केट अनफॉर्चुनेटली यहाँ साइडवेज हो गया और नीचे भी आया, और मैं स्टॉप हिट करने ही वाला था पर वापस थोड़ा सा ऊपर आ गया,
तो अभी मैं वेट ही दोबारा कर रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस हिट कर जाए या फिर टारगेट के आसपास आए। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, सबसे पहले जब मैंने 313.50 क्वांटिटी ली और 280 पे ली, फिर दोबारा एवरेज कर लिया थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक अपनाई। क्या ट्रिक अपनाई कि क्या पता भाई मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकल जाती है तब भी मेरा कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और बाई चांस मैं एक ट्रेड लेते के साथ ही थोड़ा बहुत नीचे आता है तो मैं उसको बाई कर लूँगा। अगर मैं 280 पे 50 क्वांटिटी बाई नहीं करता, मतलब कि 313 पे ही 100 क्वांटिटी बाई कर लेता, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता भाई? मेरा स्टॉप लॉस रहता लगभग 60 पॉइंट नीचे, 313 से 60 पॉइंट नीचे बैठेगा 263। अब तक मेरा स्टॉप मैं बुक कर चुका होता, पर यहाँ पर मैं 280 पे बाई किया तो इसलिए थोड़ा सा बच गया मैं। अब मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो गया, 263 से मेरा 235 का हो गया, इट्स ओके। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी एक ट्रिक अपनाई थी। फिर क्या हुआ, मैंने 242 पे एक स्टॉप लॉस लगाया, फिर मार्केट वहाँ पर नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। फिर मैंने 225 पे लगाया क्योंकि मार्केट बहुत नीचे तेज़ी के साथ आया था, तो भाई 225 के भी नीचे ना चला जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 225 पे लगा दिया था, पर हम बच गए वहाँ से भी। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आया, मैंने उसको मॉडिफाई करके 235 कर लिया। ये सब आपको टाइम के साथ आएगा, पर आप यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको भी करनी बड़ी आसानी से आ जाएंगी। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ 250 का भी आ गया था LTP पर, दोबारा से वो 260 के आसपास चला गया। मार्केट गेम खेला सुबह से, आप खुद देख पा रहे होंगे ऑर्डर्स बुक में कब का ऑर्डर लगा हुआ है, 10:03 का, तब से लेकर अब तक 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मैं स्टिल बैठा हूँ। ओके, नीचे आ चुका है काफ़ी, स्टॉप लॉस हिट होने में कुछ समय शेष। ओके, ओके, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सबके अकाउंट्स की निकल गए कि नहीं निकले हैं एक बार। ओके, मेरे पास मैं अपने लैपटॉप पे चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ओके, सब अकाउंट प्रॉपर निकल चुके हैं, और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ अभी आज का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इट्स ओके। हम आगे देखते हैं अभी क्या हो सकता है, और अपनी मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आगे वाले टाइम में थोड़ी सी अच्छी वापसी करूँगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए पूरे पूरे दिल से धन्यवाद गाइस। ओके।